क्या दुनिया पर मंडरा रहा है कोरोना से भी बड़ा खतरा? जॉइंट्स वायरस बाहर आए तो दुनिया का क्या होगा? जॉइंट वायरस क्यों है कोरोना से हजार गुना भयानक? पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के तांडव से बहुत परेशान है। चीन, अमेरिका, इटली और ब्रिटेन सहित दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचाकर रख दिया है। दुनिया भर के कई देशों को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया हुआ है ताकि इस वायरस पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक और बड़े खतरे की ओर इशारा किया है जो इतना खतरनाक है कि कोरोना उसके सामने कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस संकट से निपटने के बाद भी अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब भयानक वायरसों का कोहराम दुनिया को तबाह कर देगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब कोरोना वायरस के आगे पूरी दुनिया लाचार है तो उन वायरस से क्या हाल होगा जो कोरोना से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। लिहाजा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह शायद आपने इससे पहले हॉलीवुड फिल्मों में ही देखी होगी। बड़ी बात तो यह है कि यह वायरस भारत में भी कोहराम मचा सकते हैं। वैज्ञानिक पिछले कई सालों से बार बार वार्निंग देते आ रहे हैं कि धरती पर तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उसके बाद भी पूरी दुनिया अनसुना करती जा रही है। लेकिन दोस्तों, ग्लेशियर की पिघलती बर्फ अब बड़ा संकट लाने वाली है, क्योंकि कई सदियों से जमी इस बर्फ के अंदर कई तरीके के जानलेवा वायरस दबे हुए हैं। द नेचर जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें कहा गया है कि यह वायरस मर गए हों ऐसा नहीं कहा जा सकता, वह सदियों से निष्क्रिय अवस्था में है और बर्फ के पिघलने के साथ ही वह जीवित हो उठेंगे। आखिर कितना बड़ा है वायरस वाला खतरा? साथियों, सोचिए क्या हाल होगा अगर बर्फ की गहरी सतह में जमे हजारों सालों से वायरस अगर जीवित हो उठे तो, जिसमें हजारों से ज्यादा जीन्स हों। वैसे इस स्थिति के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। प्रकृति ने उन वायरसों के ऊपर बर्फ की चादर डाल रखी है, लेकिन हम खुद ही अपने आप को संकट की ओर धकेलने में लगे हुए हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहे तो हमें जल्द ही ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है जो चमगादड़ जैसे जीव से हमारी दुनिया में आया है। हालांकि इस बारे में कंफर्म तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह तय है कि कोरोना वायरस लंबे समय से चमगादड़ों में देखा जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉइंट वायरसों का कैसे पता चला, तो दोस्तों यह भी जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। साल 2014 में साइबेरिया में शोधकर्ताओं ने रिसर्च में पहली बार एक जॉइंट वायरस को देखा। इसके अगले साल 2015 में साइबेरिया में ही एक और वायरस को देखा गया। दोनों वायरसों में 500 से ज्यादा जीन्स पाए गए, जबकि अब तक सबसे घातक माने जाने वाले HIV वायरस में 9 जीन्स ही पाए जाते हैं। शोधकर्ताओं को यह वायरस 1000 फीट गहरे 30 वर्ष पुराने ग्लेशियर में मिले। जब शोधकर्ताओं ने एक शोध किया तो शोध में इन वायरसों ने अबीबा को तत्काल इन्फेक्ट कर दिया। तब शोधकर्ताओं को पता चला कि यह वायरस अभी तक जीवित हैं। जॉइंट वायरस के बारे में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह वायरस न केवल जेनेटिकली ज्यादा बड़े होते हैं बल्कि वातावरण में भी लंबे समय तक जीवित रहने की उनकी क्षमता भी इनमें बहुत अधिक होती है। वैज्ञानिकों को पिघलते ग्लेशियर से अब तक का सबसे बड़ा वायरस जो मिला है उसका नाम मिमी वायरस है। मिमी के अंदर 1200 जीन्स पाए गए हैं। यह वायरस नेकेड आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता, फिर भी यह काफी सारे बैक्टीरियाओं से बड़ा है। जॉइंट वायरस दुनिया में बाहर निकले तो कोहराम मचना लाजमी है। भारत के लिए भी यह बड़ा खतरा है, क्योंकि तिब्बत में 15,000 साल पुराने वायरस का पता लगाया गया है। ग्लेशियर की बर्फ लगातार पिघल रही है और यह वायरस लगातार बाहर आ रहे हैं। यह वायरस पुरानी बीमारियों को फिर से पैदा कर देंगे और बड़ी बात तो यह है कि वैज्ञानिकों को अभी इसके बारे में कोई अधिक जानकारी भी नहीं है। साल 2015 में वैज्ञानिकों की टीम अमेरिका से तिब्बत पहुंची थी। चीन के उत्तरी पश्चिमी पठार पर ग्लेशियरों में 15 साल पुराने वायरस छिपे मिले, उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। यह 33 वायरसों का समूह है जो 15,000 सालों से निष्क्रिय अवस्था में पड़े हैं। चिंता की बात यह है कि आधुनिक युग में वैज्ञानिक अब तक महज 15 के बारे में ही जान पाए हैं, जबकि 28 ऐसे हैं जो विज्ञान के लिए नए हैं। अलग अलग जलवायु में होने के कारण यह वायरस खुद को जिंदा रख सकते हैं। शोधकर्ताओं ने ग्लेशियर के दो टुकड़ों का अध्ययन किया जब यह सच्चाई सामने निकल कर आई है।